अभी मैं हूँ सोलापुर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का काफी शानदार स्टैचू यहाँ पे है गाइस। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय, इसका नजारा बाहर से ऐसे है गाइस। यहाँ पे लिखा है सोलापुर साइंस सेंटर। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? ओके ओके, गुड, फाइन। ये ऐसी आवाज आती है गाइस यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सारी अंतरिक्ष की बातें यहाँ पे इन्वॉल्व है, अंदर की ओर सारी अंतरिक्ष का नजारा, तारा मंडल, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है गाइस। ये प्लेन का इंजन है गाइस। जैसे यहाँ से इस वाली होल से आप लोग देखेंगे तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ दिखेगा। ये वाली चेयर पे बैठ के हम लोग ग्रेविटेशनल सेंटर बना सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। हेलो गाइस, मायसेल्फ राज तांबोळी एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सोलापुर के विश्वविद्यालय को एक्सप्लोर करने के लिए, और अभी मैं हूँ सोलापुर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल में, जो कि नज़ारा मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी खूबसूरत सा स्टैचू यहाँ पे सोलापुर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में शिवाजी महाराज जी का स्टैचू आप लोग मेरे बैक साइड देख सकते हो। तो ये कुछ कलरिंग काम की वजह से यहाँ पे कवर्ड था गाइस, तो अभी ये काफ़ी अच्छे से यहाँ से लग रहा है गाइस। और सर्कल का नज़ारा आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, काफ़ी रश रहती है गाइस यहाँ पे डे में। ये हार्ट ऑफ द सिटी है सोलापुर का, और ओवरऑल नज़ारा हम लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड, आप लोग देख सकते हो सर्कल का कुछ इस तरीके से है। ये वाली सड़क है राजमाता जिजाऊ सड़क, ऐसे ये सड़क का नाम है गाइस। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का काफ़ी शानदार स्टैचू यहाँ पे है गाइस। तो चलते हैं गाइस, आज एक्सप्लोर करेंगे सोलापुर के विश्वविद्यालय को, लेट्स गो गाइस। जैसे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से आगे आते हैं तो वहाँ से हमको लगेगा पूना नाका ये एरिया। वहाँ से आगे हम लोग जैसे ही ऊपर पूना रोड की तरफ आते हैं तो कुछ ऐसा ब्रिज लगेगा बाले गांव का। तो ऐसे मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो ये पूरा ओवरऑल सोलापुर सिटी दूर तक दिख रही गाइस। तो ब्रिज का नज़ारा भी देख सकते हो। ये रूट पे हमको लगेगा सोलापुर विश्वविद्यालय। सोलापुर विश्वविद्यालय ये ओल्ड नेम है गाइस, अभी नया नाम उसको पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय सोलापुर ऐसे नाम दिया गया है गाइस। तो ओवरऑल नज़ारा आप लोग बैक साइड देख सकते हो सिटी का, सोलापुर सिटी का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है गाइस। तो अभी ये रूट जाता है सोलापुर की ओर, और ये रूट पूना रूट है गाइस। तो यही रूट पे, पूना रूट पे हमको सोलापुर विश्वविद्यालय लगेगा गाइस। आगे आने के बाद गाइस ये वाला एरिया आता है केगांव, ये गांव यहाँ पे मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, इस साइड पे वो गांव है और कुछ रोड का नज़ारा इस तरीके से, इस साइड भी ये गांव है गाइस। और ये रूट सीधा जाती है पूना की ओर। ये ओवरऑल केगांव गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस। गाइस जैसे ही हम लोग सोलापुर की ओर से ये वाला पूना का रूट लेकर अंदर आते हैं तो ये सर्विस रोड पर आने के बाद ये वाला बैक साइड पर हमको लगेगा पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय। इसका नज़ारा बाहर से ऐसे है गाइस ये गेट का। तो ये पूना रोड की ओर से जब हम लोग आते हैं
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा आएगा। ये विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अगस्त 2004 में हुई थी, तब इसका नाम सोलापुर विश्वविद्यालय ऐसे था, और हाल ही में 6 मार्च 2019 में इस विश्वविद्यालय का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ऐसे रखा गया गाइस। तो कुछ नज़ारा ओवरऑल मेरे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो सोलापुर यूनिवर्सिटी का, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 3 अगस्त 2004 को, तब के जो राज्यपाल थे मोहम्मद फजल सर, ये इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था गाइस, और तब के फर्स्ट कुलगुरु यहाँ के ये यूनिवर्सिटी के सर इरेश स्वामी सर थे। तो कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है गाइस, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, ये सोलापुर यूनिवर्सिटी का। तो ये वाला ओवरऑल नज़ारा है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे फैकल्टीज है गाइस अंदर की ओर, और ये एग्जैक्टली सोलापुर पूना ये रोड पे यहाँ पे आता है गाइस, और इसके बैक साइड में ही सोलापुर का साइंस सेंटर है, जो कि हम लोग अभी उधर जा रहे हैं गाइस, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है गाइस, हम लोग उसको भी विजिट करेंगे। तो ये है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी, इसका नज़ारा गाइस। जैसे हम लोग सोलापुर विश्वविद्यालय के बैक साइड में आते हैं, तो यहाँ पे सोलापुर साइंस सेंटर ऐसे बनाया गया है गाइस, जो कि मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो, ये वाली गेट है और यहाँ पे लिखा है सोलापुर साइंस सेंटर। साइंस के रिलेटेड काफ़ी सारे अम्यूजमेंट थिंग्स है गाइस, काफ़ी एक्साइटिंग यहाँ पे लगता है। चलते हैं गाइस अंदर चल के ये भी स्पॉट को रिवील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ नज़ारा इस तरीके से है गाइस अंदर आने के बाद, ये देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, ये वाली साइंस की गार्डन है गाइस, ये मेरे बैक साइड आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे ये चीज़ें, ये पीछे जो है ये स्टैचूज अलग अलग दिखाई गई है गाइस, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैक साइड पे, बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, हर एक पार्ट बॉडी पार्ट अलग अलग तरीके से बना है। बट आप लोग जब यहाँ पे आते हो और इस वाली प्लेट से, यहाँ पे एक होल बनाया गया है गाइस, इस वाली होल से अगर आप लोग देखेंगे तो ये सब जुड़ा हुआ दिखेगा गाइस। ये मेरे बैक साइड में जो आप लोग देख रहे हो, ये बड़ा सा पाइप है गाइस वहाँ तक का, अभी वो भाई साहब वहाँ पे रुके हुए हैं, और मेरी आवाज़ वहाँ पे इको होके जाएगी और उनकी आवाज़ इको होकर मेरे बैक साइड आएगी। ये काफ़ी बड़ा सा पाइप है गाइस मेरे बैक साइड पे, ये है इको पाइप, यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो पीछे वाले वो भाई साहब को सुनाई देगी और उनकी आवाज़ हमको यहाँ तक सुनाई देगी। तो चलते हैं गाइस इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे लाइव। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? ओके ओके, गुड, फाइन। ये ऐसी आवाज़ आती है गाइस यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो मेरा इको यहाँ पे जा रहा है, और उस साइड पे जो भी कोई रुका होगा उनको ये आवाज़ ऐसे आएगी गाइस। हेलो, ये ऐसे आवाज़ आती है गाइस, अभी वो भाई साहब वहाँ से बोलेंगे तो उनकी आवाज़ आएगी। हेलो हेलो, ये ऐसे सोलापुर साइंस सेंटर, हैप्पी साइंस डे। यस, सेम टू यू। ये ऐसे यहाँ पे वो भाई साहब वहाँ पे रुके हुए हैं गाइस, और उनकी आवाज़ इजीली यहाँ तक इको होकर आ रही है। तो यहाँ पे ना कोई मशीनरी है ना कोई चीज़ है, बस साइंटिफिकली ये पाइप को रखा गया और यहाँ से वॉइस इजीली वहाँ पे जाती है गाइस। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट का नज़ारा गाइस। यहाँ पे एक अम्यूजमेंट थिंग है, ये वाली चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये है रोटेट होने वाली चीज़। यहाँ पे बच्चे बैठ कर, हम लोग साइड पे दो वेट दिए गए हैं, उसको अगर करीब लेते हैं तो ऑटोमेटिक घूमने चालू होता है गाइस। ये कुछ साइंस के रिलेटेड यहाँ पे ऐसे बनाया गया है गाइस, ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है गाइस। गाइस ये वाला झूला है कनेक्टेड झूला, अगर यहाँ पे फर्स्ट झूले पे अगर कोई बैठा होगा तो ये चार लोगों के लिए बैठने के लिए जगह है। अगर फर्स्ट वाला झूला कोई लेता है तो उसका प्रेशर, उसका जो स्पीड है वो साइड वाले को ट्रांसफ़र होते जाएगा, और चारों भी झूले आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड लेंगे, ऐसा ये साइंटिफिकली बनाया हुआ झूला है गाइस। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, और ये बैक साइड आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसका नज़ारा है गाइस ये झूले का। यहाँ पर खड़े होकर हम खुद का वेट खुद उठा सकते हैं गाइस यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे साइंटिफिकली बनाया गया है गाइस ये वाली चीज़। काफ़ी एक्साइटेड है गाइस यहाँ पे सब कुछ नज़ारा। ये ऐसे कुछ पिलर्स है गाइस, जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड में काउंट करने के लिए, नंबरिंग यूज़ करने के लिए क्या क्या किया जाता था, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है गाइस। काफ़ी खूबसूरत और अच्छे से दिखाया गया है गाइस। ये ओवरऑल सभी पिलर्स मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, ये कुछ नज़ारा इस तरीके से है सभी पिलर्स का गाइस। ये वाली चेयर है जिसमें हम लोग बैठ कर कौन से भी साइड में अगर घूमेंगे तो
तो धीरे धीरे स्पीड लेगी, लेकिन हम लोग गिरेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो है ग्रेविटेशनल सेंटर बनाया गया है गाइस, और ये ग्रेविटेशनल सेंटर की वजह से हम लोग गिरेंगे नहीं, वहीं पे रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया है गाइस, ये वाली चेयर पे बैठ के हम लोग ग्रेविटेशनल सेंटर बना सकते हैं गाइस, ये ऐसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है गाइस। ये वाली एक्सपेरिमेंट में ये समझ में आता है कि पृथ्वी पर से चांद की एक ही साइड हमको क्यों दिखाई देती है। वो वाली चेयर पे बैठ के यहाँ से अगर पुश करेंगे तो जैसे ही ये घूमेगा तो हमको समझ में आएगा गाइस कि चांद की एक साइड ही हमको क्यों दिखती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है गाइस, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है गाइस। ये वाला है पंपिंग सीसॉ, मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो। जैसे ही इधर इस साइड और इस साइड अगर बच्चे खेलेंगे तो बीच में पंप बिठाया गया है, उसके वजह से पानी अपलिफ्ट होता है गाइस यहाँ पे। ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे एक गार्डन है गाइस, जहाँ पे एंशियंट एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स वगैरह यहाँ पे उनके स्टैचूज वगैरह बनाए गए गाइस। ये वाले साइड में आप लोग देख सकते हो ऐसे डायनासोर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज बनाए गए गाइस। अमेजिंग है गाइस, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। ऐसे ही काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे अलग अलग साइंस से रिलेटेड आपको मेरे पीछे देखने मिलेगी गाइस। गाइस इसी गार्डन के साइड में यहाँ पे सोलापुर विज्ञान केंद्र ऐसे बनाया गया है, सोलापुर साइंस सेंटर। ये वाली बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है गाइस, ये मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सारी अंतरिक्ष की बातें यहाँ पे इन्वॉल्व है, अंदर की ओर सारी अंतरिक्ष का नज़ारा, तारामंडल, अलग अलग राशियों की तारों का मंडल, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है गाइस। अभी ये क्लोज है, जैसे ये खुलेगा हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, इसके आउटसाइड पे यहाँ पे प्लेन का इंजन बैठाया गया है, जेट इंजन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है गाइस, मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, ये प्लेन का इंजन है गाइस, वन साइड का ये देख सकते हो। और यहाँ पे ये कुछ नज़ारा इस तरीके से है, ये अंतरिक्ष का नज़ारा। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से एक बड़ा सा डोम है, उसमें यहाँ पे सारा नज़ारा दिखाया गया है। तो आउटसाइड का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस, सोलापुर विज्ञान केंद्र का। गाइस ये वाला साइंस सेंटर जो है, सोलापुर साइंस सेंटर, ये मंडे के दिन क्लोज रहता है, बाकी ऑल डेज ये चालू रहता है। और इसका टाइमिंग है सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक ये वाला साइंस सेंटर चालू रहता है गाइस। और यहाँ पे ये साइंस सेंटर का नंबर भी दिया गया है गाइस, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हो गाइस। ये कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव जगह है गाइस सोलापुर सिटी में, सोलापुर विश्वविद्यालय के बैक साइड में ये बनाया गया है गाइस। हे गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा गाइस, और मेरे चैनल हॉक ट्रैवलर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।